मेरा अपना अकाउंट किस तरीके से हैकर्स ने हैक किया, तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल थी जिसके ऊपर तकरीबन 400 प्लस साइड अकाउंट्स थे, जिसमें से कुछ एक्टिव अकाउंट्स थे, कुछ जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस अकाउंट्स थे, और मेजोरिटी ऑफ अकाउंट्स के ऊपर मेरे पास एडमिन एक्सेस थी। तो मुझे इसी तरह से जो है वो फाइवर के ऊपर मैसेज आया और उसने कहा मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल जो है वो तैयार की है, इसको जो है वो चेक कर लो। मैंने उसको डाउनलोड कर लिया और वो उसी तरह से जो प्रोजेक्ट डिटेल थी उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा था, लेकिन जो है वो फाइल ओपन नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको मैसेज किया, उसने कहा आपने उस पर जो है वो ट्राई किया उसको ओपन करने के? मैंने कहा हाँ जी किया। तो बस उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बात तकरीबन 2020 की 20 या 21 का जो है वो स्टार्ट था। तो वो तमाम अकाउंट जिनके ऊपर मेरी एडमिन एक्सेस थी वो तमाम उसने जो है वो हैक कर लिए, और उन तमाम एड अकाउंट्स के ऊपर जितना जितना मैक्सिमम बजट जो है वो लग सकता था वो उसने बजट यूज करते हुए सबके ऊपर कंप्लेन चला दी, एडी और क्लाइंट की एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दी, और जो कंप्लेन चला रहा था उस पर नेम भी जो है वो मेरा रख दिया, जिससे मेरे क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज बन गए। उन्होंने कहा कि कंप्लेन तो आप चला रहे हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो फैसल अब्बास के नेम से जो है वो आ रहा था। तो बहुत ज्यादा मुझे जो है वो लॉस हुआ था उसकी वजह से। तो ये चीज आपके लिए भी है कि कभी कोई फाइल आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करनी, कभी किसी लिंक को जो है वो वेरीफाई किए बगैर कभी भी ओपन नहीं करना। आईक्लाउड का लिंक होगा या गूगल ड्राइव का लिंक होगा, स्पेशली अगर कोई आपसे कहता है कि आप विंडो लैपटॉप के ऊपर है, या ये मैंने फाइल एक प्रोजेक्ट ब्रीफ तैयार किया तो इसको जो है वो चेक कर लो, ऐसी कभी कोई फाइल ओपन नहीं करनी आपने।